नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ युक्ता शर्मा। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सोनी जी। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारा आज का विषय है रत्न। आज हम जानेंगे रत्नों की विशेषता, हमारे जीवन पे ये जो रत्न हम पहनते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से अपने जीवन को रत्न पहनने से सफल बनाया जाए, या फिर क्या क्या विशेषताएँ हैं रत्नों की। जैसा कि कई प्रकार के रत्न होते हैं, मूंगा, मोती, इन सभी रत्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर श्रद्धा सोनी से। सबसे पहले श्रद्धा जी, मैं आपसे चाहूंगी कि हम जो रत्न पहनते हैं हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका उनकी क्या विशेषता होती है। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत महत्व माना गया है। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से हम रत्नों को पहनते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में आम व्यक्ति के पास में इतना वक्त नहीं होता कि वो इतनी पूजा पाठ और इतने मंत्र जप कर करके अपने ग्रहों को ठीक करे, तो वो रत्नों द्वारा इनका ठीक कर सकता है। अपनी दशाओं को, अपने ग्रहों को मजबूत कर सकता है, अपने भाग्येश को मजबूत कर सकता है। अपने कोई रुके हुए काम है तो उनको आसानी से रत्न पहन करके ठीक करा जा सकता है। आमतौर जिंदगी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आर्थिक, मानसिक, तो इन सभी के लिए कुछ ना कुछ रत्न होते होंगे अलग। जैसे कि लोगों को आर्थिक परेशानी आती है या काम में बाधा आती है, तो उनके लिए कौन से जो रत्न हैं वो बेहतर होते हैं लोगों के लिए। जब भी आपके काम में रुकावट आ रही है, बार बार करने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है या होते होते एंड मोमेंट पे रुक जाता है, तो आप फिरोजा रत्न धारण करिए, अपने गले में पेंडेंट बनवाइए चांदी का, और उसको शनिवार या गुरुवार के दिन उसे पहनिए, जिससे कि आपके काम बहुत आसानी से बनने लग जाएंगे। जी, मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी, जैसा कि कुछ लोग होते हैं वो अंधविश्वास मानते हैं रत्न को पहनने के, कि रत्न से कुछ असर नहीं होता, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से लोगों की मंशा से दूर करना चाहेंगी। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरीके से बैठा हुआ है कि रत्न सबसे पहले तो बहुत महंगे आते हैं, हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो सबसे पहले रत्न लिख देते हैं, इसमें कुछ कमीशन होता है या कुछ भी उसमें बचता है। ऐसा नहीं होता है, अंधविश्वास भी आप ना रखें, क्योंकि बहुत सी बार आपकी दशाएं, आपका प्रारब्ध और आपका भाग्य भी साथ देना बहुत जरूरी है। रत्न जब भी आपको पहनाए जाते हैं, या फिर मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जब भी, या तो रत्नों की सिद्धि अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होती, क्योंकि मंत्रों द्वारा, अलग अलग रत्नों की अलग अलग मंत्रों द्वारा, अलग अलग पंडितों, वेद पंडितों द्वारा करी जाती है, तो वो अगर प्रॉपर नहीं होती है तो आपको कभी भी रत्न असर नहीं करेंगे, तो वो मन में बैठ जाता है कि रत्न कभी भी असर नहीं करते। आमतौर पर लोगों को आजकल गुस्सा बहुत देखने को मिलता है, कि लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, नकारात्मक वाइब्स आती हैं उनको, तो उसके लिए कौन सा रत्न पहना जाए। आप सफ़ेद मूंगा धारण करिए जब भी अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। एक मोती पहना जाता है एक मानसिक संतुलन बनाने के लिए और मानसिक शांति के लिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही आप अगर मंगल की वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका मंगल नकारात्मक है, तो आप सफ़ेद मूंगा धारण करिए। जी जी, श्रद्धा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आमतौर पर लोगों को जैसा कि परेशानियाँ आती हैं उनकी विवाह जीवन में, विवाह में काफ़ी देरी होती है, या फिर बिजनेस में कुछ परेशानियाँ आती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसे खास रत्न हैं जिन्हें पहनने से वो अपनी परेशानी को दूर कर। आजकल हम देखते हैं कि लड़की लड़कियां बहुत अपने करियर को लेकर के बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो जहां अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, उसी बीच में उनकी शादी की उम्र निकलती जाती है, और फिर बाद में उन्हें अच्छे लड़के या लड़कियां नहीं मिलते हैं, या देखने के बाद भी उन्हें बहुत देरी हो जाती है विवाह में। तो इस स्थिति में आप अपने गुरु को मजबूत करिए और गुरु का पुखराज रत्न आप पहनिए गुरुवार के दिन, तो उससे आपकी शादी में आ रही बाधा या लड़की लड़कियां नहीं मिल पा रहे, तो वो आप पहनेंगे पुखराज रत्न, तो जल्दी आपके विवाह योग्य बनेंगे। जैसा कि हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, विवाह के साथ भी लोगों को बिज़नेस में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बिज़नेस चल नहीं पाता या ठप हो जाता है, उसके लिए कौन सा रत्न बेहतर रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं बिजनेस के लिए हम बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि बुध बिजनेस का कारक होता है और उसका कारक ग्रह पन्ना होता है, तो हम अच्छी क्वालिटी का एमरल्ड लेकर के एक पहन सकते हैं। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप सोने में पहनिए, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप चांदी में पहनिए, अदरवाइज आप उसको अष्ट धातु में बनवा करके बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, पहले बुध के होरे में उसको धारण करिए। कई बार ऐसा होता है रत्नों की चर्चा में कि रत्न काफ़ी महंगे आते हैं, हम लोग रत्न खरीदने में असमर्थ होते हैं, तो उनके ऐसे क्या कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं जिन्हें पहनकर अपने जीवन को सफल बनाया जाए। हाँ जी, इस तरीके के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। जब भी अगर आपको लग रहा है आपको अलग अलग नवग्रह को आपके स्ट्रॉन्ग करना है और किस तरीके से आप करें,
तो आप सूर्य के लिए जैसे कि माणिका हम देखते हैं बहुत महंगा आता है, तो आप टाइगर स्टोन पहन सकते हैं, और चंद्रमा के लिए आप मोती ही पहन सकते हैं, मोती हमेशा से ही एक रिजनेबल रेट में आता है, और मूंगा की जगह मंगल के लिए आप लाल हकीक पहन सकते हैं, और उसके बाद में आप बुध के लिए पन्ना रत्न जी की जगह आप उसका सब्स्टिट्यूट पेरीडॉट पहन सकते हैं, और गुरु ग्रह के बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पुखराज के सब्स्टिट्यूट की जगह सुनहला पहन सकते हैं, और शुक्र ग्रह जाके हम हीरा देखते हैं तो हीरा वास्तविकता में भी बहुत महंगा आता है, तो आप उसकी जगह वाइट ओपल पहन सकते हैं जो कि आपके शुक्र को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है और एक वैवाहिक जीवन के लिए बहुत कारक माना जाता है, अगर हस्बैंड वाइफ उसको मिलकर के दोनों पहनते हैं तो दोनों की वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, और शनि ज़्यादातर लोगों को बहुत परेशानियों में डाल देता है, कभी साढ़े साती से, जी कभी उनकी मानसिक परेशानियों से, कभी शारीरिक कष्ट देता है शनि, तो उसके लिए आप फिरोजा रत्न पहनिए या फिर जामुनिया पहनिए जो कि आपको एक बहुत रिजनेबल रेट में मिलता है मार्केट जी में, और एक सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है जो कि आप उसको अच्छे से एक वेद पंडित द्वारा अभिमंत्रित करवाइए और उसको पहनेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा जी रहेगा, और राहु के लिए गोमेद पहनिए और केतु के लिए आप लहसुनिया पहनिए। जी तो ओवरऑल मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी कि रत्नों का हमारे जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही, साथ ही साथ हमारे जीवन में एक सफलता की ओर हमें ये लेकर जाता है। हाँ, ये हमारी दशाओं को बहुत आसानी से, जो हमारे ग्रहों की डेंसिटी हमारी बॉडी में मिलना चाहिए, जो प्रभाव हमें हमारे ग्रह से मिलना चाहिए, जो कि आप उपाय कर करके अगर उसमें सफल ना हुए हों तो आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ज्योतिष की सलाह से अच्छे रत्नों को आप पहनिए जिसका आपके जीवन पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े और जी जी नकारात्मकता को वो हटाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा सोनी जी। तो आज हमने बात की, चर्चा की रत्नों के बारे में कि रत्न पहनकर हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं और किस तरीके की जो परेशानियां हमारे जीवन में या फिर बिजनेस में या फिर हमारे पर्सनल रिलेशंस में, शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, रत्न पहनकर अपने जीवन को किस तरीके से सफल बनाएं और अपनी आगे की वैवाहिक ज़िंदगी या अपने बिजनेस को किस तरीके से अच्छा करें। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।